ग्यारह और बारह मुहर्रम के वज़ाइफ को इस्लामी अकीदत और जज्बे के साथ अंजाम देना एक बाबरकत अमल समझा जाता है। इन दिनों में किए जाने वाले वज़ाइफ से इंसान को दीन व दुनिया की फलाह मिलती है और अल्लाह की रजा हासिल होती है। ग्यारह मुहर्रम को सूरा फातिहा सात मरतबा पढ़ना एक मरूफ वजीफा है। इस वजीफे से जिंदगी में आने वाली मुश्किलात दूर होती हैं और रिस्क में बरकत होती है। इसके अलावा ग्यारह मरतबा दुरून पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ करना दिल के सुकून का बाइस बनता है। बारह मुहर्रम को नमाज फजर के बाद सूरा इखलास 21 मरतबा पढ़ना एक मुफीद वजीफा है। ये अमल इंसान की हाजात को पूरा करने में मददगार होता है और अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत लाता है। बारह मुहर्रम को सुबह व शाम दुरून पाक का वर्द करना भी नेक अमल समझा जाता है, जिससे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और इंसान के गुनाहों की बख्शिश होती है। इन दिनों में वज़ाइफ के अलावा सदका देना भी मुस्तहब है। मुहर्रम के इन बाबरकत दिनों में जो लोग अपनी नियत के साथ अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं और उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। इन वज़ाइफ को खुलूस नियत से करना और दिल में ईमान का जज्बा बेदार रखना बहुत अहम है, ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो और जिंदगी में सुकून, राहत और कामयाबी मिले। भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन